दोस्त चार बच्चों की जवान माँ ने एक दिन अपने प्रेमी को फोन किया और मायूस होकर बोली, क्या जानू इतने दिन बीत गए, तुम ना तो आ रहे हो और ना ही हमारे पास फोन कर रहे हो। मैं तुमसे मिलने के लिए हर पल तड़प रही हूँ। आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी उसका प्रेमी मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जान, बस आपके गांव के कुछ लोगों को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ और ना ही आगे आ पाऊंगा। यह सुनते ही महिला उदास हो गई और अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के तहत दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए आखिरकार एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे प्रेमी अपना सीना चौड़ा करके उसके घर आने जाने लगा, उसके साथ फिर से अवैध संबंध बनाने लगा। लेकिन महिला का जब उससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपने दिमाग का फिर से इस्तेमाल किया और ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी राजस्थान के सिरोही से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली 40 साल की मंजू देवी को पड़ोस के गाँव में रहने वाले हलाऊ कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंजू देवी आए दिन रात के अंधेरे में प्रेमी हलाऊ कुमार को घर बुलाकर उसके साथ अपने जिस्म की भूख को पूरा कर रही थी। इधर हलाऊ कुमार भी मंजू देवी के एक इशारे पर उसके घर दौड़ा चला आता था और उसे शारीरिक सुख देकर वापस चला जाता था। दोनों का ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन गाँव के कुछ लोगों ने हलाऊ कुमार को मंजू के घर आते हुए देख लिया, जिसके बाद हलाऊ कुमार बहुत डर गया और उसने मंजू को उस दिन के बाद शारीरिक सुख देना बंद कर दिया। लेकिन जब तक मंजू को हलाऊ कुमार के गठीले बदन की लत लग चुकी थी और वह किसी भी हालत में उससे दूर रहना नहीं चाहती थी। जब हलाऊ कुमार ने मंजू के घर आना बंद कर दिया तभी एक दिन मंजू ने अपने प्रेमी हलाऊ कुमार के पास फोन लगाया और रात में उसे घर आने के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके बाद हलाऊ कुमार ने पूरी बात अपनी प्रेमिका मंजू से बताया तो वह जोर जोर से हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो गए, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन चलिए ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई अलग रास्ता ढूंढती हूँ जिससे आपको हमारे घर आने में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बल्कि यूं कहें तो और भी पहले से आसान हो जाएगा। जिसके बाद महिला ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी 21 साल की बेटी की शादी प्रेमी हलाऊ कुमार से करवा दी और उसे अपना दामाद बना लिया। अब हलाऊ कुमार लोगों की नजरों में तो उसका दामाद था, लेकिन असलियत में तो वे उसका ठुकाई ऑपरेटर था, जिसके बाद अब वे हाय दिन रात के अंधेरे में आकर अपनी सास मंजू की प्यास को पूरी करने लगा, क्योंकि अब वे उस घर का दामाद बन चुका था, जिसके चलते अब जब भी मंजू को मौका मिलता तो वे अपने प्रेमी यानी दामाद को कॉल करके अपने घर बुला लेती थी और फिर मजे से उसके साथ नाजायज संबंध स्थापित करती थी। इस बीच सास मंजू का लगाव अपने प्रेमी दामाद के प्रति इतना बढ़ गया कि वह जवान बेटी की परवाह न करते हुए अपने दामाद के साथ घर से भागकर शादी करने की ठान ली। जब इस बात की भनक एक दिन उसके दामाद हलाऊ कुमार को हुई तो वह पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सास के मनाने पर वह मान गया। तभी एक रात हलाऊ कुमार की सास मंजू ने अपने पति को चाय में नींद की गोली मिलाकर पिला दिया और उसके सोने का इंतजार करने लगी। इधर जैसे ही पति सोया तो दोनों मौका देखकर यानी सास और दामाद रातों रात फरार हो गए और जब सुबह हुआ मंजू के पति की आंख खुली तो देखा दामाद और पत्नी दोनों घर से गायब हैं, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत थाने जाकर पुलिस को दी। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों की तलाश करने में जुट गई है। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आप सावधान और सतर्क है।